नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। अलवर में एसीबी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसते हुए होमगार्ड विभाग में 30,000 की रिश्वत लेते हुए आरोपी को ट्रैप किया है। अलवर एसीबी के डीएसपी महेंद्र मीणा ने बताया कि आरोपी द्वारा परिवादी से होमगार्ड की नौकरी लगवाने के नाम पर 3,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। परिवादी द्वारा एसीबी कार्यालय में शिकायत देने के बाद शिकायत का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के बाद एसीबी द्वारा मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को कोर्ट परिसर के मुख्य द्वार से ट्रैप किया गया। आरोपी स्वयं गृह रक्षक विभाग अलवर में होमगार्ड के पद पर कार्यरत है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आरोपी सैजुद्दीन होमगार्ड के द्वारा, आरोपी सैजुद्दीन जिसका नंबर है बेल्ट नंबर 553, होमगार्ड के द्वारा परिवादी गोपनीय से उसके साले की नौकरी होमगार्ड में लगाने की एवज में आरोपी द्वारा सैजुद्दीन के द्वारा 3,00,000 रुपए की मांग की गई, जिसका दिनांक 22 तारीख को सत्यापन करवाया गया। दौरान सत्यापन आरोपी द्वारा 3,00,000 रुपए की डिमांड करना पाया गया। जोधपुर के महामंदिर थाना इलाके में नकली सोने को असली बताकर भोले भाले ग्रामीणों से पैसे ऐठने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया है। महामंदिर थाना अधिकारी शिवलाल मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि प्रार्थी के साथ पावटा के सनसिटी अस्पताल में ठगी की वारदात सामने आई है। अस्पताल परिसर में एक युवक ने बताया कि उसके घर की नींव में खुदाई के दौरान बहुत सारा सोना निकला है, जिसे वह तुरंत सस्ते दामों में बेचना चाहता है। ऐसे में युवक की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर प्रार्थी ने ठग से 4,30,000 रुपए में नकली सोना खरीद लिया। पुलिस ने टीम गठित करके ठग से 3,20,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जोधपुर से मनोज सिंह की रिपोर्ट। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट पेश की थाने में कि मुझे असली सोना बता के और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 4,50,000 रुपए की ठगी कर ली है। इसके संबंध में थाने पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस टीम महामंदिर द्वारा सघनता से जांच पड़ताल करके और सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करके एक आरोपी खुमाराम बावरी को गिरफ्तार किया है, जो कुड़ी बक्तासनी थाना क्षेत्र में निवास करता है, जिसने पूछताछ पर 40 के लगभग जोधपुर शहर के अंदर वारदात घटना स्वीकार किया है। उससे गहनता से अनुसंधान जारी है। 3,30,000 रुपये की नकदी जो ठगी की थी वो पुलिस द्वारा बजट से जब्त की गई है। डीडवाना जिले के गच्छीपुरा क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोरों के शिकार का मामला सामने आया है। वन विभाग टीम ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है, साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश वन विभाग की टीम कर रही है। वन विभाग अधिकारी सीमा इनानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गश्त के दौरान आरोपी को बाइक द्वारा जंगल में घूमते हुए पाया गया। पुलिस को देखते ही आरोपी बाइक छोड़कर भागने लगा। आरोपी रामनिवास बगरिया तो भाग गया, लेकिन उसकी साथी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला के पास एक कट्टे में 2 मृत मोर मिले हैं। घटना को लेकर आगे की कार्रवाई चल रही है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। कल सुबह से पूरा स्टाफ सरकारी वाहन से हम लोग 7-8 जो है महिला टीम मोर में सभी लोग गश्त पर निकले थे। गच्छीपुरा क्षेत्र में थोड़ा संदिग्ध रहता है शिकार प्रवीणता वन्य जीवों का, तो वहाँ पे घूम रहे थे तभी हमें वहाँ ग्रामवासियों ने सूचना दी कि यहाँ जो रामनिवास वादरिया है और उसके साथ एक महिला लेडी है जो उसके साथ ही है, वो दोनों घूम रहे हैं, तो उन्होंने शिकार किया। तो हम सुबह से उसका पीछा कर रहे थे 11 बजे से। फिर हमें वो भागते हुए नजर आया था लगभग 3-1 बजे। फिर हमने उसका पीछा किया और उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन वो मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गया और महिला और उसके गड्ढे में 2 मर्द मोर हमें प्राप्त। टोंक जिले के सदर थाना क्षेत्र के बनास नदी पर बने रपट को पार करते समय बहे बुजुर्ग का शव गुरुवार सुबह इसरदा डैम के समीप मिल गया है। यह शव करीब 22 घंटे में घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर मिला है। ग्रामीणों के अनुसार मृतक नाथूलाल खेतीबाड़ी करता था, उसके 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। एसडीआरएफ टीम के राजेंद्र गुज्जर ने बताया कि बनेठा निवासी नाथूलाल माली बनास नदी पर बनी रपट पर बह गया था। बुधवार शाम तक उसका सुराग नहीं लगा था। गुरुवार सुबह 6 बजे से फिर से तलाश शुरू की गई। सुबह 8 बजे उसका शव घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर निर्माणाधीन इसरदा डैम के गेट पर दिखाई दिया। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल के शायद कोई ट्रैक्टर आई जो 500 जो ट्रैक्टर का पानी का हिसाब हुआ मोटरसाइकिल छूट गई जो
छूटियां बाद के मान एक एक बार तो एक लोड़ा में तो वह मोटरसाइकिल छूट गई, दूसरा लोड़ा में बोचो जो फिर उनका पगड़ कल आ गयो चाट पानी की जो ऊंचा ऊंचा रख गयो। डीडवाना शहर में जाट छात्रावास की जमीन पर नगर परिषद संपत्ति का बोर्ड लगाने का मामला गर्मा गया है। बोर्ड लगाने पर जाट समाज के लोग आक्रोशित हो गए हैं। जाट समाज ने नगर परिषद पर छात्रावास की जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया है, साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन में बताया है कि उक्त संपत्ति नगर परिषद की नहीं बल्कि ये संपत्ति आज भी जाट बोर्डिंग डीडवाना के नाम से दर्ज है। उक्त खातेदारी शुदा जमीन पर किसान छात्रावास के नाम से बिल्डिंग बनी हुई है। उक्त बिल्डिंग में जाट समाज के बच्चे पढ़ाई और प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। जाट समाज के नेताओं ने कहा कि उक्त बोर्ड को समय रहते अगर नहीं हटाया गया तो जाट समाज द्वारा कलेक्टर का घेराव कर उग्र आंदोलन कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही ज्ञापन में सोमवार को नगर परिषद का घेराव करने की भी चेतावनी दी गई है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। ये जो पूरा मामला है ये किसान जाट बोल्डिंग की जो जमीन है खातेदारी की, जो जाट बोल्डिंग के ट्रस्ट के नाम है कस्सा नंबर 1331 है, वो काफी समय से उसका एक हिस्सा थोड़ा बाहर पड़ा है, बाकी चार दीवारी कर ली तो उसमें से कुछ हिस्सा बाहर रह गया था जिसको सेटलमेंट के अधिकारियों ने भी आके नाप लिया और वो हमारी जमीन थी। उस पर पहले भी आज से 10 साल के लगभग पहले भी वहाँ पड़ोस में दो है जो जिन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की थी, वो कब्जा हटा के फिर वो जमीन ऐसे ही पड़ी थी। फिर जब जरूरत पड़ी तो एक तो स्वामी परिवार को वहाँ के किसान छात्रावास के ट्रस्ट ने 22x80 की जमीन तो उसको दान की और 55x80 की जमीन उन्होंने पीएसडी को टंकी बनाने के लिए दान की, जिसके अंदर वर्तमान में जो टंकी बनी हुई है ना गाडावास के अंदर, वो टंकी उसी जमीन पे बनी हुई है। ये खातेदारी की जमीन है, जाट हॉस्टल की जमीन है या समाज के बहुत बच्चे पढ़ते हैं वो खेलने के लिए जमीन है बाहर, ये बोर्ड लगाया तो गलत लगाया है। आज ज्ञापन दे के बताया कि दो दिन में हट जाना चाहिए, नहीं हटा तो सोमवार को उग्र आंदोलन होगा, फिर हटाना पड़ेगा उनको। इसलिए हमारा खुला चैलेंज है कि एक ज्ञापन के इशारे पर हटा लें। राष्ट्रीय खेल दिवस पर श्री माधोपुर के सरकारी स्कूल द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण से प्रधानाचार्य राजेश कुमार अंकुर ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। इसके बाद विद्यालय के सभागार में पूर्व खिलाड़ियों को माला, प्रतीक चिन्ह एवं मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश कुमार अंकुर ने बताया कि स्कूल इनोवेशन परिषद द्वारा विद्यार्थियों को उनके इनोवेशन चयन होने पर प्रति छात्र इनोवेशन को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार से प्राप्त होगी। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। पाली जिले के देसूरी थाना पुलिस की ओर से 45 दिन बीत जाने के बावजूद भी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने के मामले को लेकर जिला मुख्यालय पर आज सिरवी समाज का आक्रोश फूट पड़ा। जिले के आसपास में बड़ी तादाद में हजारों की संख्या में सिरवी समाज के लोगों ने 3 घंटे से भी अधिक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीच बीच में पुलिस और समाज के लोगों के बीच में झड़प भी हुई। झड़प में समाज के कई प्रतिनिधि भी नीचे गिर गए। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस का भी उपयोग किया। इस बीच 2 महिलाएं अचेत हो गई, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से पाली के बांगड़ अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद समाज के लोगों ने सांसद पीपी चौधरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर व एसपी के साथ बैठक की, जिसमें देसूरी थाने के 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। गौरतलब है कि देसूरी थाना क्षेत्र के ढालोप गांव में एक प्लॉट पर निर्माण के दौरान सिरवी समाज के परिवार पर जानलेवा हमला किया गया था। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी जिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के विरुद्ध भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन द्वारा अमर्यादित टिप्पणी करने के विरोध में नादोती ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से भाजपा के प्रदेश प्रभारी का उपखंड कार्यालय के सामने पुतला फूंका गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश भाजपा प्रभारी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन करने को मजबूर होंगे। विरोध प्रदर्शन में पीसीसी सदस्य शीशराम खटाना सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। श्री माधोपुर के सिक्कर बाजार स्थित सरस्वती गार्डन में श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ गुरुवार को कलश यात्रा निकालकर किया गया। कलश यात्रा शहर के जानकी वल्लभ मंदिर से बैंड बाजे व शाही लवाजमे के साथ निकाली गई। बाजार में जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई, जिन्होंने कलश यात्रा के दौरान सर पर कलश रखकर भगवान के भजनों पर झूमकर नृत्य किया। कलश यात्रा के दौरान राधा कृष्ण की जीवंत झांकियां भी सजाएगी। आयोजन समिति के सदस्य रामगोपाल हलवाई ने बताया कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वाचन वृंदावन के पवन देव महाराज रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक करेंगे।
वहीं कथा का समापन 5 सितंबर को पूर्णाहुति के साथ किया जाएगा। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी जिले के शेखपुरा ग्राम पंचायत में एसडीएम सुनीता मीणा के निर्देश पर आबादी भूमि पर दो अलग अलग जगहों पर हो रहे अतिक्रमण को नायब तहसीलदार बालघाट के नेतृत्व में ग्राम पंचायत द्वारा पुलिस जाब्ते की मदद से जेसीबी मशीन चलाकर हटाया गया। कार्रवाई के दौरान बालघाट थाना पुलिस, गिरदावर उदयभान मीणा, पटवारी प्रेम सिंह गुज्जर, ग्राम पंचायत सचिव साहब सिंह, ग्राम पंचायत लिपिक राजेश गुज्जर मौके पर उपस्थित रहे। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। अनूपगढ़ जिले की श्री विजयनगर नगर पालिका क्षेत्र में शहर के सौंदर्यकरण के तहत शहीद स्मारक पार्क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसके लिए आस्ट्रक यूनियन के द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरमैन राजेंद्र लेघा के द्वारा पार्क की नींव रखी गई। इस अवसर पर पीएम स्वनिधि कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका सभागार कक्ष में किया गया। अधिशासी अधिकारी मिलख राज चुग की मौजूदगी में कार्यक्रम में 30 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत जो लोन का हो प्रमाण पत्र आज लाभार्थियों ने दिए गए हो। दूसरा कार्यक्रम हमारा रहे हो नगर पालिका बोर्ड द्वारा गंगनेर और हाईवे के बीच में जो जगह पड़ी पिंग सिंचाई विभाग NSU लेके मैं आज बिंगो भूमि पूजन पार्षना बोर्ड द्वारा भूमि पूजन के काम ने स्टार्ट करे गए। शहीद स्मारक पार्क इंटरेस्ट एरियो विजयनगर को हो पिंग झुग्गी झोंपड़ियाँ भी बसरी बिन 1000 फीट खाली करवा के बटे एक बहुत ही सुंदर शहीद स्मारक पार्क मनायो जा रही है। केकड़ी के निकटवर्ती ग्राम नायकी में कल शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें एक मजदूर की जान चली गई। मृतक की पहचान लोकेश मीणा पुत्र छगना मीणा के रूप में हुई है जो भुवाना तेजाजी की झोपड़िया तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा का निवासी है। यह हादसा वृंदावन माइंस नायकी में हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि केकड़ी क्षेत्र में माइंस संचालकों के द्वारा खनन विभाग तय सुरक्षा नियमों की पालना नहीं की जा रही है। खनन विभाग द्वारा हर बार नई सेफ्टी गाइडलाइन जारी की जाती है लेकिन माइंस संचालक मजदूरों को उचित सेफ्टी उपकरण मुहैया तक नहीं कराते हैं। चिंता का विषय है कि केकड़ी जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्र में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद माइंस संचालकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। डीग जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज इन दिनों ब्रिज यात्रा मेला के मद्देनजर लगातार डीग क्षेत्र की स्वयं के स्तर पर मॉनिटरिंग कर रही है। इसी कड़ी में आज जिला कलेक्टर जल महल पहुंची जहां उन्होंने न केवल झील में नाव चलाई बल्कि सफाई करके डीग निवासियों के लिए मिसाल पेश की। डीग जिले के जल महल में जो जिला प्रशासन ने कर दिखाया है उसकी तारीफ न सिर्फ डीग में बल्कि जिले के दूसरे हिस्सों में भी हो रही है। जल महल के कुंड में 10 साल में पहली बार पानी पहुंचा है जिससे महल में आने वाले सैलानियों को अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। सफाई के दौरान कलेक्टर को पॉलिथीन इंजेक्शन कपड़े आदि सामान मिले जिन्हें उन्होंने जेली की मदद से कुंड से बाहर किया। उन्होंने डीग वासियों से आह्वान किया कि जल महल डीग की एक बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है और कोई भी किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा कुंड में न डाले। गौरतलब है कि श्री ज्वाहर प्रदर्शनी व ब्रिज यात्रा मेले का आयोजन 31 अगस्त से 10 सितंबर तक किया जाएगा। इस अवसर पर विराट कवि सम्मेलन, मुकाबला कव्वाली, कुश्ती दंगल, रंगीन फव्वारों का प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डीग में 31 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक एक मेला आयोजित किया जाता है। इसकी बहुत महत्ता है और लाखों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी ज़िले की शान डीग पैलेस, इसमें जो कुंड है उसमें 10 साल बाद पानी भरा है और आज हमने जन सहयोग से, नगर पालिका के सहयोग से यहाँ श्रमदान करते हुए इन पूरे कुंडों की सफाई की है। और मैं सभी से आह्वान करती हूँ कि इसमें कोई भी कचरा ना डाले। जैसे अभी मैं सफाई कर रही थी तो देखा कि पॉलीथीन, इंजेक्शंस, बहुत सारी सामग्री। तो मेरी सभी नगरवासियों से ये अपील है कि अपने क्षेत्र को साफ रखें और अपने इस एरिया पे हम सब प्राउड कर सके ऐसा कार्य करें। केकड़ी के निकटवर्ती हिंगोनिया गांव की डाई नदी की रपट पर कल शाम को 2 युवक बह गए थे जिसके बाद प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर पहुंचा और सिविल डिफेंस व SDRF की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया। दोनों युवकों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया जिसके बाद आज सुबह एक युवक का शव नदी से बरामद हुआ और दूसरे युवक का शव शाम को मिला। मृतक युवकों की पहचान जयपाल व घीसालाल जाट गांव बड़ला निवासी के रूप में हुई है। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। टोडा भीम क्षेत्र के गांव गोरडा में स्थित मुनमेला बाबा के स्थान पर चल रही श्रीमद भागवत कथा के 5वें दिन भगवत आचार्य पुरुषोत्तम शरण कुड़गांव वालों के द्वारा भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया जिसे सुन उपस्थित श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं इस दौरान भगवान कृष्ण के भजनों पर उपस्थित महिला पुरुष श्रोताओं ने जमकर नृत्य किया।
आयोजनकर्ता नत्थूलाल शिवदयाल जांगिड ने बताया कि भागवत कथा के दौरान प्रतिदिन भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कथा व सजीव झांकियों के माध्यम से किया जा रहा है। गौरतलब है कि दिनांक 25 अगस्त रविवार को भव्य एवं विशाल कलश यात्रा के साथ श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। टोडा भीम से ब्यूरो चीफ महेंद्र कुमार जोशी की रिपोर्ट। कौन से मंदिर पर बैठवाई है गोल्डे मुंड में बाबा का नाम? ये कब से भागवत बैठी आपके? 25/8/2024 रविवार। ये जो भंडारा होगा ये कितने गांवों के लिए भंडारा कर रहे हैं आप? ये साहब गोल्डा है, गोल्डा है अपने रामपुरा है और अपने पंच पटेल है जो बेरोज है ना, बेरोज के है। कितने आदमी का भंडारा है टोटल? करीब करीब आप मानो 1000-1500 आदमी 2000 समथिंग तो वही जाने चाहिए। भंडारा कितने तारीख का है? 1 तारीख का रविवार। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 21।